परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्त माल में से श्री जगदानंद जी की कथा श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। भक्त जनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री जगदानंद जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य का मतलब जिनका सब कुछ श्री राम जी हैं। श्री राम के अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पुकारते, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, श्री राम जी ही उनके आराध्य थे। इनकी जैसी भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में थी, वैसी किसी बिरले की ही भक्ति होती होगी। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये भगवान के परम भक्त थे। आप में वर्ण आश्रम या विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल नहीं था इनके अंदर। न तो अपने आश्रम का अहंकार था, न विद्या का और न भक्ति का। ये वैष्णव संतों को देखते थे, यानी कि जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, भगवा वस्त्र धारण किया है, गले में तुलसी की माला है, त्रिपुंड या उर्धपुंड तिलक धारण किया हुआ है, तो ये उनकी परिक्रमा करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे और अपने को धन्य धन्य मानते थे और कहते थे कि आज मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे श्री राम जी के प्यारे भक्त मिल गए। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते थे, श्री राम जी की कोई कथा सुनाइए। इस प्रकार हमेशा भगवान की कथा सुनते रहते थे, भगवान के भजन सुनते रहते थे। उन्हीं में इनका मन रमा हुआ था और भगवान की कथा के द्वारा भगवान का प्रचार करते थे। अनेकों अनेकों इनके अनुयायी थे। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए काशी में आए। वहां एक संत बीमार हो गए और उनका शरीर छूट गया। अब जो उनके साथ दूसरे संत थे, वे बड़े विलाप करने लगे। बहुत ही करुण क्रंदन, यानी बहुत ही करुण स्वर से रोने लगे, अत्यधिक दुखी हो गए। उनका विलाप सुनकर श्री जगदानंद जी से नहीं रहा गया। उनके निकट जाकर आपने उनसे कहा, संत जी आप विलाप न करें, ये मरे नहीं हैं, आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा पूर्ण करके अपने स्थान में पहुँच कर आज से एक माह के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ पधारेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने, जो संतों ने के प्राण छूट गए थे, मर गए थे, उनको स्पर्श किया। जैसे ही इन्होंने, यानी श्री जगदानाथ जी ने स्पर्श किया, तो वे संत उठ बैठे। दोनों ने आपको सिद्ध महापुरुष मान कर दंडवत प्रणाम किया और बार बार प्रणाम करके इनका गुणगान करने लगे। इस प्रकार इन्होंने अनेकों संकट काट कर उन्हें परमार्थ का फिर उपदेश किया। इस प्रकार के संत को हम प्रणाम करके इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री परमात्मने नमः।